हरियाणा पूरे भारत की सिर्फ 2% आबादी यहाँ रहती है, मगर पिछले बार के कॉमनवेल्थ में यहाँ से अकेले 33% मेडल्स आए थे और इस बार देख लो 34 एथलीट यहाँ से भेजे गए हैं, जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। और देखो सोने पे सोना बरस रहा है। और इस साल 26 जनवरी में हरियाणा के टैबलू में नंबर 1 इन स्पोर्ट्स की थीम रखी गई थी। चाहे भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एथलीट ले लो या बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स मूवीज, ये सब कुछ हरियाणा से ही बिलोंग करती है। ऐसे में ये सवाल पूछना तो बनता है, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो चलो साथ बैठ के एक्सप्लोर करते हैं कि हरियाणा से इतने सारे एथलीट क्यों आते हैं। सबसे पहला कारण है मिलिटराइज्ड रीजन। हरियाणा को कई सारे एक्सपर्ट भारत का वाटरलू तक कह देते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र हो या तराइन की लड़ाई, पानीपत की तीनों लड़ाई, बैटल ऑफ करनाल, ये सारे के सारे हरियाणा में ही तो हुए थे। और इसी वजह से हरियाणा के अंदर जो लोग हैं वो शुरू से ही वेल बिल्ट रहे हैं। और इसका फायदा हरियाणा के लोगों को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में मिलता है, चाहे बॉक्सिंग हो या रेसलिंग। हरियाणा में पिछले बार 22 मेडल जो कॉमनवेल्थ के आए थे उसमें 15 बॉक्सिंग और रेसलिंग से ही। हरियाणा के अंदर रेसलिंग का क्लियर डोमिनेंस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर है अखाड़ा कल्चर। जितने आपके शहर में ग्रोसरी की दुकानें हैं उससे ज्यादा यहाँ पर अखाड़े मिल जाते हैं। 2600 से ज्यादा अखाड़े हैं जहाँ पर 15,000 से ज्यादा एथलीट ट्रेनिंग लिया करते हैं। इस साल भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ में सारे रेसलर इस अकेले स्टेट से गए थे। और देखो सीधा असर सोने की तो बारिश करवा रखी है। अगला बड़ा कारण है इंडियन आर्मी का इन्फ्लुएंस। पूरे भारत में पर कैपिटा सोल्जर सिलेक्शन में एवरेज आता है 37, मगर हरियाणा में ये है 122। साउथ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट खासकर नरनौल, भिवानी, रेवाड़ी, यहाँ पर तो इंडियन आर्मी का बड़ा क्रेज है यूथ के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे यार स्पोर्ट्स से इंडियन आर्मी का क्या कनेक्शन। बहुत बड़ा कनेक्शन है। 2001 में मिशन ओलंपिक शुरू किया गया था जब भारतीय सेना को पहली बार मेडल लाने के लिए इन्वॉल्व किया गया। डिफेंस बजट से 60 करोड़ रुपए निकाल के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए थे कुछ राज्यों में, जो एकदम वर्ल्ड क्लास टाइप की ट्रेनिंग देते हैं और इससे वर्ल्ड क्लास एथलीट निकल कर आते हैं। मेजर ध्यानचंद जी से लेकर पान सिंह तोमर, ये सारे आर्मी से ही तो जुड़े हुए थे। नीरज चोपड़ा का तो नाम सुना है ना, ये भी आर्मी के अंदर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं और इन्होंने भी अपने अर्ली डेज में आर्मी के इंस्टीट्यूट में ही स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। तो हरियाणा में आर्मी को लेकर एक अलग क्रेज है और आर्मी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। जब दोनों मिलते हैं तो बस सोना बरसने लगता है। अगला बड़ा रीजन है यहाँ के लोग जो खाते पीते हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ में सबसे कॉमन स्लोगन पता है क्या था? दूध दही का खाना, अपना देश हरियाणा। और ये चीज बिल्कुल सही है। भारत के अंदर दूध के कंजम्पशन में हरियाणा सेकंड नंबर पे आता है। और आजादी के पहले भी हरियाणा का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बहुत कम एक्सप्लॉयटेटिव था, यानी ये केमिकल वगैरह नहीं डालते थे। और उसका कारण ये है कि शायद वहां पर जमींदारी सिस्टम का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो यहाँ के किसान और अमीर हो गए। तो इनके खाने में ऑलरेडी मिलावट नहीं थी, बट जब और पैसा आया तो एनिमल हस्बेंड्री पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा। राज्य में डाइट को लेकर ऐसी अवेयरनेस है कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ विनर थे उनको राज्य के सीएम की तरफ से पैसा गाड़ी तो मिला ही मिला, 101 किलो देशी घी भी दिया गया था। इन सारे रीजंस के अलावा स्टेट की कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो इसकी ग्रोथ को लगातार पुश कर रही हैं। राज्य में दो अलग अलग टेस्ट चलते हैं। इन दोनों टेस्ट को आप ऐसा समझ लो जैसे पूरे भारत में IIT JEE होता है, वैसे स्पोर्ट्स के टेस्ट इस राज्य में होते हैं जहां पर 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस टेस्ट को देते हैं। और इस टेस्ट के जरिए राज्य सरकार क्या करती है कि अर्ली एज में बच्चों में टैलेंट पकड़ लेती है और उन्हें उसी हिसाब से ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इनकी एक और बहुत इनोवेटिव स्कीम है मड टू मैट। मड रेसलिंग हरियाणा का एक ट्रेडिशनल बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है और इसको इन्होंने इनोवेशन के साथ मिक्स कर दिया है और उसके बाद से तो भैया मेडल्स की बारिश शुरू हो चुकी है। अब अर्ली एज में किसी टैलेंट को ढूंढना या उसे ट्रेन करना ये बाकी स्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज आता है हमेशा कि बच्चों को लगता है कि भैया करियर सिक्योर नहीं होगा तो हम स्पोर्ट्स में कैसे जाएं, मान लो सक्सेसफुल नहीं हुए तो। उसके लिए भी इनके पास बहुत तगड़ी स्कीम है। ये कहते हैं कि जो भी लोग ब्रॉन्ज से गोल्ड मेडल तक जीतेंगे उनको 2.5 से 6 करोड़ दिया जाएगा। आप चौथे भी आ जाए तो 50 लाख मिलेगा और अगर आप सिर्फ क्वालिफाई कर गए तब भी 15 लाख मिलेगा। ये अमाउंट बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो लोग फर्स्ट आते हैं उनको भी सिर्फ 75 लाख मिलता है और क्वालिफिकेशन पे सिर्फ 1 लाख। ग्रुप सी और डी की जॉब्स के लिए भी स्पोर्ट्स कोटा है विद 3% रिजर्वेशन।
और जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा करके आते हैं उनको ग्रेड ए की जॉब्स या पुलिस की जॉब भी दी जाती है। जोगिंदर शर्मा याद है? अरे वो T20 फाइनल वाले, आजकल DSP है वो हरियाणा के अंदर। अरे भाई हमारी छोरियां किसी छोरों से कम ना है। 30% रिजर्वेशन विमेन के लिए होता है स्टेडियम के अंदर भी। लेकिन ये सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पर बड़े बड़े फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है। एथलीट से बताते हैं कि उन्हें प्रॉमिसेस कर दिए जाते हैं बट वो फुलफिल होने में बहुत लंबा समय लगता है। मनु बाकेर, साक्षी मलिक, सोनम मलिक, वीरेंद्र सिंह यादव, ये वो कुछ एथलीट हैं जो बहुत लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं कि उनके प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया गया। तो पॉलिसी के पेपर्स पर बने प्रॉमिसेस के पहाड़ तक पहुंचने के लिए हकीकत की जमीन पर बनी इन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की खाई को पाटना हमारे लिए बहुत जरूरी है।